الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آپ بھی دو دفعہ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مہربان ذات نے آپ دوستوں کی ملاقات اپنے گھر میں ایک نیکی کے پروگرام میں نصیب فرمائی. اللہ آپ کی ہماری اس ملاقات کو قبول فرمائے. دس گھنٹے کا تقریباً سفر کر کے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں. یقیناً اتنے لمبے سفر میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر جن بچوں نے نظم پڑھی شکریہ کی, اور جس ہمارے پوتے نے تقریر کی, اور آپ حضرات کے چہروں کی بشاشت دیکھ کر ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے, بہت دل خوش ہوا. ہم نے وہاں ملتان میں جامعہ قادری حنفیہ کے نام سے جب ادارے کی بنیاد رکھی تھی تو ہمارا یہ شوق تھا اور ہماری یہ خواہش تھی کہ یہاں سے ایسے افراد پیدا ہوں جو ملک میں اور بیرون ملک حقیقتاً قرآن کی خدمت کریں. میں نے وہاں مدرسے میں بیٹھنے سے پہلے عمرے کا سفر کیا, اور طواف کے درمیان میں میں نے مسلسل دعا کی کہ یا اللہ ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والوں کو اشاعت دین کے لیے قبول فرمانا. ہم ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں, اپنے فضلاء کو اپنے عزیزوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے ہماری زندگیاں بڑھ جاتی ہیں. بیرون ملک سے بھی ہمیں اطلاعات اور فون آتے رہتے ہیں کہ ہمارے فضلاء وہاں بھی قرآن کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, اس دور دراز علاقے میں ہمارے ان عزیزوں نے, اور بھی بہت سارے ان علاقوں میں ہمارے فضلاء وہاں مدرسے کے پڑھے ہوئے موجود ہیں,
अपने अपने मराकज में इदारों में बहुत अच्छा दीन का काम कर रहे हैं, अफराद पैदा कर रहे हैं, लोगों से हुस्न सुलूक करना, छोटे बच्चों को प्यार से पढ़ाना और नबी की इस उम्मत को जोड़ के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें देखने में आती हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। मैं अपने उन अजीज़ बच्चों को जिन्होंने अभी दस्ताद ली है मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी दौलत बख्शी है। मैं अपनी बेटियों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनके मुतालिकीन खुशी से हार पहन के जा रहे थे और उनकी दुपट्टा पोशी होने वाली है, अल्लाह ने उनको भी कुरान पाक वाली दौलत नसीब की है। अल्लाह इन सब को मुबारक फरमाए। आपने देखा इन बच्चों को कि इनके सरों पर उलमा सफेद पगड़ियां बांध रहे थे। हमारे शेख बेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिनसे मेरा बैत का ताल्लुक था, मेरे शेख मुर्शिद हैं, वो फरमाते थे कि ये पगड़ियां नहीं है, ये ताज है। ताज बादशाहों को पहनाया जाता है, ये दीन के बादशाह हैं और आज दुनिया में हम इनको बहुत मामूली कीमत की दस्तार सर पे रख रहे हैं। कल मैदाने क़यामत में जो अल्लाह ने इनके सर पे ताज रखना है उसकी कीमत का तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। हम चूंकि दुनिया में बैठे हैं तो दुनिया के हिसाब से चीज़ें तकसीम होती हैं, आलम आखरत में अल्लाह का निज़ाम होगा, अल्लाह के ख़जाने होंगे। अल्लाह करीम इस हाफिज के सर पर भी सुनहरी ताज रखेंगे और इनके वालिदैन के सर पर भी सुनहरी ताज रखेंगे और इस हाफिज के एजाज में अल्लाह ऐलान करेंगे कि ऐ मेरे कुरान के हाफिज, तुम अकेले जन्नत में न जाओ, तुम अपने रिश्तेदारों में से 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में ले जाओ जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, आज खानदान में अगर कोई हाफिज बन जाता है तो हमें इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती जितना कोई MLA बन जाता है खानदान में, कोई वजीर बन जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कोई PhD करके आता है, उनके वालिदैन भी सर ऊंचा करके चलते हैं और उनके खानदान वाले भी जगह जगह तذکرہ करते हैं कि हमारे खानदान का आदमी वजीर बन गया है। मेरे अजीज दोस्तों, वजारत हो या गवर्नरी हो या सदारत हो या दुनिया का कोई भी शोभा हो, दुनिया का कोई एजाज हो, उसकी मुद्दत बहुत थोड़ी सी है, उसके बाद ये सर से ताज उतार लिया जाएगा, बादशाह का ताज भी उतर जाएगा, वजीर की वजारत भी छीन ली जाएगी, मरने के बाद कुछ भी ये साथ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन ये कुरान का हाफिज ऐसा मुअज्जज़ इंसान है कि ये कुरान वाली दौलत लेकर कब्र में भी जाएगा, कब्र से जब उठेगा मैदान क़यामत में फिर भी ये कुरान का हाफिज होगा और जन्नत में जब दाखिल होगा तो फिर भी कुरान का हाफिज होगा। बल्कि अल्लाह पाक को ये इतना पसंद है कुरान का हाफिज कि जन्नत में जब जा रहा होगा तो अल्लाह फरमाएंगे तुम आम जनतियों की तरह जन्नत में न जाओ, तुम खास इम्तियाजी शान के साथ जाओ। या अल्लाह मैं कैसे जाऊं? अल्लाह फरमाएंगे तुम कुरान पढ़ते हुए जाओ।
ताकि जन्नत वालों को पता चले कि ये कुरान का हाफिज जा रहा है, कुरान पढ़ते हुए अंदर जाएंगे। और यहाँ तो कोई गलती भी आ जाती है, भूल भी जाते हैं, क्योंकि दुनिया कमज़ोरी से मुरक्कब है। लेकिन जब ये जन्नत में दाखिल होंगे, हालांकि कब्र में पता नहीं कितना अरसा ये सोए रहेंगे, लेकिन इनका कुरान पहले से ज़्यादा याद होगा। ये जब अलहम्द से शुरू करेंगे वन्नास तक, इनको एक गलती भी नहीं आएगी, क्योंकि ना इनके हाथ में कुरान का नुस्खा होगा, ना पीछे कोई सामे होगा। मुसल्ला जब सुनाते हैं तो पीछे सामे होता है, वो लफ्ज़ बताता जाता है। इनके पीछे कोई सामे नहीं होगा, अकेला कुरान का हाफिज होगा और जन्नत की सीढ़ियों में चढ़ता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, कितना मज़ा आएगा। अल्लाह इनको ये इल्म मुबारक फरमाए, और आप सब हजरात को मुबारकबाद है कि अल्लाह ने ये कुरान वाली नेमत इस उम्मत को दी है। इससे पहले जितनी भी उम्मते हैं ऐसी किताब और ऐसा कलाम किसी को नहीं मिला। अल्लाहु अकबर। क्योंकि इन्होंने जलसे का मौजू सीरतुन नबी रखा हुआ है, तो इसलिए हमें गुफ्तगू उस मौजू पे करनी है। अल्लाह ताला हमारे इस पूरे जलसे को कबूल फरमाए। मेरी तो थकावट गई है उतर, माशाल्लाह। अब आप बताएं कि भाई आपकी थकावट बाकी है या आपकी भी उतर गई है। आप कहो कि हम तो थके ही नहीं, उतरने का नंबर तो बाद में आता है ना, जब थकावट हो जाती है। आप तो थके ही नहीं, अल्लाह आपको और हिम्मत और इज्जत अता फरमाए। कायनात में अल्लाह करीम ने इंसानों को आबाद किया और इन इंसानों के जिम्मे एक काम लगाया, फरमाए ये काम करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जन्नत अता करूंगा। वो काम क्या है? वो है अल्लाह को खुश करना, कि दुनिया में तुम रहो, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम मेरे जिम्मे, तुम्हारे पीने का इंतज़ाम मेरे जिम्मे, तुम्हारे आराम का, लिबास का, मकानात का, ये सारा इंतज़ाम मेरे जिम्मे। तुम्हारे जिम्मे है कि तुम मुझे खुश करो। अल्लाह ने इंसानी ज़रूरत की तमाम चीज़ें ज़मीन में स्टोर कर दी, हम उसको निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम कोई चीज़ खुद पैदा नहीं कर सकते, ये सब कुछ अल्लाह अता करता है। ये सारे इंतज़ामात अल्लाह ने हमारे लिए फरमा दिए हैं और हमारे जिम्मे एक ही काम है, क्या? अल्लाह को खुश करना। बोलो, अल्लाह को राजी करना। अब अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है और वो हर जगह होने के बावजूद नजर नहीं आता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह कैसे राजी होता है, कैसे खुश होता है? उसके लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात भेजी। आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हर नबी के जिम्मे ये काम लगाया कि तुम अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, अपने लोगों को बताओ कि हमारा अल्लाह किससे खुश होता है। चुनाचे इसके लिए अल्लाह ने आसमान से किताबें भेजी, सहीफे उतारे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, और उसमें बताया कि मैं कैसे खुश होता हूँ। चुनाचे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को बताया कि अल्लाह इस तरह खुश होता है। ये सिलसिला चलता आया
जब नंबर आ गया अल्लाह के महबूब का, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी को अल्लाह ने आसमान से इल्म दिया, तालीमात दी, जिसमें ये बताया कि मैं कैसे राजी होता हूं। आखिर में जब हमारे आका आए, अल्लाह के महबूब आए, तो अल्लाह ने आपको भी एक इल्म दिया जिसमें यह बताया कि मैं कैसे खुश होता हूं। जो इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दिया उसका नाम है कुरान। क्या नाम है? कुरान। पहली किताबों में और कुरान में फर्क क्या है ये समझिए। पहली जितनी किताबें आसमान से आई वो किताबें खास कौम के लिए थी, क्योंकि वो नबी भी खास कौम के लिए था और वो खास इलाके के लिए थी, क्योंकि वो नबी भी खास इलाके के लिए था। वो खास वक्त तक थी इसलिए कि वो नबी भी खास वक्त तक था। हर नबी के इर्द गिर्द अल्लाह ने तीन दायरे लगा दिए। दायरा समझते हो ना? ये जो प्रकार के बाहर लकीर होती है इसको दायरा कहते हैं। अल्लाह ने दायरे लगा दिए। एक दायरा कौमों के एतबार से लगाया कि फलां फलां कौम के तुम नबी हो, इससे बाहर नहीं। एक दायरा इलाके और जगह के एतबार से लगाया, कोई सूबे का नबी, कोई मुल्क का नबी, कोई एक बड़े आजम का नबी। इलाके महदूद कर दिए, यहां दायरा लगा दिया। इसी तरह वक्त और जमाने के एतबार से भी दायरा लगा दिया, कोई 100 साल का नबी, कोई 500 साल का नबी, कोई 1000 साल का नबी। ये सिलसिला चलता आया। जब नंबर आया अल्लाह के महबूब का, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, अल्लाह ने तीनों दायरे तोड़ दिए। ये बात समझने की है। अल्लाह ने तीनों दायरे तोड़ दिए। कौमों वाला दायरा भी तोड़ दिया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अब जमीन पर क़यामत की सुबह तक जो बंदा भी आँख खोलेगा इस जमीन पे आएगा मेरे मुस्तफा का गुलाम होगा। एक कौम, दो कौम, 10 कौमें, ये बात खत्म हो गई। अब पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह के नबी मुस्तफा नबी है। अगर आपकी तवज्जो है तो इससे आगे बात कहूं। सिर्फ जमीन के पर रहने वालों के नबी नहीं, आसमान पर रहने वालों के भी नबी हैं। फिजाओं में चलने वालों के भी नबी हैं और जमाने के एतबार से जो दायरा लगा हुआ था अल्लाह ने उसे भी तोड़ दिया। 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल की बात नहीं है। अब क़यामत की सुबह तक भी नबी हो, मैदान क़यामत में भी तुम नबी हो और जन्नत में जाने के बाद भी नबी हो। जमाने का दायरा भी तोड़ दिया, जगह का दायरा भी तोड़ दिया। सिर्फ एक बर्रे आजम के नहीं, सिर्फ जमीन के नहीं, बल्कि खुतबा हजरात एक जुमला बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने फरमाया, जहां तक मैं रब की खुदाई है मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। हम कितने खुशकिस्मत हैं दोस्तों कि इतने बड़े नबी की उम्मत में हम आए।
और सिर्फ नबी अकेला अजमत वाला नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को इस कदर अजमत अता की है कि जिस चीज की आपकी तरफ निस्बत हो जाए वो भी अजमत पा जाती है। कुरान की निस्बत आपकी तरफ है कि ये कुरान आप पर उतरा, तमाम किताबों से नंबर ले गया। सहाबा की निस्बत आपकी तरफ है कि ये मुस्तफा के शागिर्द हैं, पूरी उम्मतों से नंबर ले गए। इस्लाम शरीयत इसकी निस्बत आपकी तरफ है, कायनात में दीन तो और भी उतरे हैं लेकिन इस्लाम जैसा दीन नहीं आया, वो भी अजमत पा गया। अल्लाह ने अपने महबूब की नबूवत को साबित करने के लिए हजारों मोजज़ात अता फरमाए। मोजज़ा वो होता है जो सिर्फ नबी के हाथ पर जाहिर होता है, गैर नबी उसको नहीं कर सकता। और ये जो मोजज़ा होता है ये नबी की नबूवत का गवाह होता है, ये उसकी नबूवत की दलील होती है। जितने सबका अंबिया थे वो चूंकि दायरों के अंदर नबी थे, उनके मोजज़ात भी दायरों के अंदर थे। किसी नबी को 4 मोजज़े मिले, किसी नबी को 10 मोजज़े मिले। तफसील का टाइम नहीं है वरना मैं आपको बताता। किसी नबी को 50 मोजज़े मिले, किसी को 100 मोजज़ा मिला। कुरान ने भी उन मोजज़ात का जिक्र किया है, अहादीस में भी है। लेकिन जब हुजूर का नंबर आया तो अल्लाह ने इतने मोजज़ात अता किए कि उनको अगर गिनने बैठ जाएं तो सारी रात बीत जाएगी। क्योंकि आप पूरी कायनात के नबी थे, आसमानों के नबी, जमीन के नबी, जंगल में रहने वाले जानवर भी आपके गुलामों के गुलाम हैं। फिजाओं में आपकी नबूवत है तो अल्लाह ने आपको ऐसे मोइजात दिए हैं जिसका ताल्लुक फिजाओं से भी है, जिसका ताल्लुक आसमान से भी है, जिसका ताल्लुक सैयारों से भी है, जिसका ताल्लुक खेतियों से भी है, जिसका ताल्लुक जंगल के जानवरों से भी है, समंदर की मछलियों से भी है, जमीन से भी है, इंसानों से भी है, फरिश्तों से भी है। लेकिन दो मोजज़े अल्लाह करीम ने अपने महबूब को ऐसे दिए हैं जिनकी मिसाल पहले नहीं मिलती। अगर आप थके नहीं तो मैं आपको सुना दूं मुख्तसर, दो मोजज़े बता दूं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि आपकी नबूवत जमाने के एतबार से क़यामत की सुबह तक और उससे आगे भी है। तो अल्लाह ने इस ज़मानी तूल को, लंबाई को साबित करने के लिए जो मोजज़ा अता किया वो कुरान है। इसलिए कि जब तक आपकी नबूवत रहेगी ये गवाह भी साथ रहेगा, ये गवाह है आपकी नबूवत का। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान उतारने के बाद साथ ही ऐलान कर दिया कि कुरान मैं उतार रहा हूं, इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने उतारा हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि ये जमाने के एतबार से मुस्तफा का मोजज़ा है
अगर दरमियान में मौजजा खत्म हो जाए तो नबूवत की गवाही कौन देगा? इसलिए जब तक ये दुनिया कायम है, कुरान मौजूद है, दुनिया की सारी ताकतें जोर लगा लें, कुरान पाक का एक नुक्ता भी खत्म नहीं कर सकते। हिफाजत जो अल्लाह ने कर रखी है वो तो तमाम ताकतों के ऊपर बड़ी ताकत है। मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूं तो मैं देखता हूं हाफिजों को जो देहातों में बैठे हैं, बाद दफा उनके पास कमरा भी नहीं होता, छप्पर डालकर नीचे चटाई बिछाकर बच्चों को पढ़ा रहे होते, ना कोई चार दीवारी है ना कोई कमरा है कच्चा या पक्का, छप्पर है, कोई मुहाफिज भी नहीं, अकेले बैठे हैं। और दरमियान में आपने देखा पाकिस्तान में कुरान के दुश्मनों ने कुरान को खत्म करने के लिए मदरसों में बम भी गिराए, मदरसों में बहुत कोशिश की कि कुरान वाले कुरान से डर के भाग जाए, लेकिन वो हाफिज छप्पर के नीचे बेखौफ बैठे होते हैं। मैं कभी सोचा करता हूं कि ये क्यों नहीं डरते? डरते इसलिए नहीं कि उनको यकीन है कि हमारे सर पर अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह फौक है दी है, जिसके सर पर अल्लाह का हाथ हो उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। तो इस मौजज़े की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे इसलिए ली है कि मुस्तफ़ा की नबूवत जा रही है आगे, इसलिए कुरान का मौजज़ा भी आगे जा रहा है। कब्र के अंदर भी जो कुरान के कारी है ना, ये कुरान की तिलावत करेंगे, क्योंकि जिसके जो अपने इम्तिहान में पास हो जाएगा, तीन सवाल होंगे ना वहां, मन रब्बों का, मन नबियों का, मा दीनों का, इन तीनों के सही जवाब दे देंगे वो पास हो जाएंगे, फिर अल्लाह उन पर खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि अब तुम क्या चाहते हो? किसी को नमाज का शौक होगा, किसी को जिक्र का शौक होगा, और जो कुरान के कारी हैं इनको कुरान की तिलावत का शौक होगा। तो ये कहेंगे अल्लाह हमें इजाजत दो, हम क़यामत तक कुरान ही पढ़ते रहे। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ते रहो। नबी के दौर में एक दफा कब्र से कुरान की आवाज आ रही थी, हुजूर से लोगों ने पूछा कि ये कैसी आवाज आ रही है? आपने फरमाया इसमें कुरान का कोई हाफिज दफन है। बाहर आवाज आती तो नहीं, लेकिन अल्लाह कभी कभी जाहिर कर देता है बतौर करामत के। तो कुरान की तिलावत कब्र में भी होगी, और कुरान जब मैदान क़यामत में ये कारी आएगा हाफिज, तो जैसे परिंदे पर फैला लेते हैं ना, कुरान अपने परों के साथ इसके ऊपर हिफाजत करेगा कि मेरे पढ़ने वाले को धूप न लगे, गर्मी न लगे, हिफाजत करेगा इसकी। तो कुरान का मौजज़ा आपका ऐसा मौजज़ा है जो जमाने के एतबार से आपकी नबूवत का गवाह है, और मेराज वाला मौजज़ा, अभी वट्टू साहब भी आपको मेराज बता रहे थे, मेराज वाला मौजज़ा ये मकानी एतबार से अल्लाह ताला ने हुजूर को अता किया है। मेराज मक्का से शुरू हुआ और अर्श तक गया, इसमें हिकमतें बहुत सारी हैं, लेकिन एक हिकमत ये भी है कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरा मुस्तफ़ा सिर्फ ज़मीन पर नबी नहीं, मेरा मुस्तफ़ा फिजाओं में भी नबी है, मेरा मुस्तफ़ा आसमानों में भी नबी है,
मेरा मुस्तफ़ा जन्नत में भी नबी है, मेरा मुस्तफ़ा उसके ऊपर भी नबी है, यहाँ तक मेरी खुदाई जा रही है, मेरे मुस्तफ़ा की सवारी जो उड़ती जा रही है, इसलिए आपकी नबूवत भी है। और इसमें रुफ़त और अजमत की बुलंदी भी है। यूं नीचे करकट आया अल्लाह ने, बल्कि अपने महबूब को मेराज के लिए, अल्लाह तो हर जगह है, ये जो अर्श है ये हर जगह मौजूद है, ये ज़मीन दरमियान में है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को सीधा ऊपर उड़ाया ताकि रुफ़त और बुलंदी का पता चल जाए कि मेरा महबूब कितना बुलंद बाला है कि मेरी सारी मखलूक से ऊपर जा रहा है। मैंने एक जगह लोगों से पूछा, मैंने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली चीज कौन सी है, तो आपसे भी पूछता हूं, स्कूल पढ़ो वो कोई बंदा कोई नहीं थे, रोशनी सबसे ज्यादा तोड़ने वाली रोशनी, क्योंकि रोशनी एक सेकंड में 186,000 मील सफर करती है, किलोमीटर भी नहीं मील, 186,000 मील रोशनी सफर करती है एक सेकंड में। इसलिए जो हमारा सूरज है ये 9 करोड़ मील के फासले पर है हमसे ऊपर, और उसकी रोशनी 8 मिनट 18 सेकंड में हमारे पास आती है, उसको इतना टाइम लग जाता है। तो रोशनी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली है। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों की तहकीक ठीक है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली रोशनी है, लेकिन एक सवारी जो अल्लाह ने जन्नत से अपने महबूब के लिए भेजी थी वो इससे भी ज्यादा तेज दौड़ती थी। क्या नाम था उसका? बुराक। बुराक इससे बहुत ज्यादा तेज दौड़ती थी। एक कदम उसका बैतुल मुकद्दस में था, क्योंकि आप मक्का से बैतुल मुकद्दस आए, बैतुल मुकद्दस में था और दूसरा पांव पहले आसमान पर था। जहां तक उसकी निगाह जाती थी उसकी उड़ान उड़ती थी। इसी तरह एक एक आसमान पर एक एक कदम रखती गई और रुकती गई। ये सारा सफर जो एक रात में अल्लाह ने कराया अपने महबूब को, तब आप समझते होंगे, आपने साइंस पढ़ा है, फल्कियात पढ़ी है किसी ने, है जी, मुश्किल ना हो जाए। मैं बेतकल्फी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खतीब तो हूँ नहीं, मैं मुदर्रिस हूँ, हम तालिब इल्मों को सबक पढ़ाते भी हैं फिर सुनते भी हैं, तो आपसे तो मैं नहीं सुन रहा, समझाने के लिए सवाल कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि आसमान करीब खड़ा है, हमें यहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी झलक आपको बताता हूँ। हुजूर की सवारी ने जिस सफर को एक कदम में तय किया है उसकी मसाफत कितनी है? मैंने आपको रोशनी की रफ्तार बताई, तो फल्कियात में इसको कहा जाता है नूरी साल, साल में जो रोशनी तय करती है ना सफर, तो इसको कहते हैं नूरी साल। हमारे जो ये पैमाने हैं हिंसे हैं ये अरम पदम पर ख़त्म हो जाते हैं, आगे ये काम नहीं करते, तो
तो उन्होंने अपने पैमाने इसको पमाइश करने के लिए बनाया है, तो नूरी साल निकाला है। वो इस रोशनी की मदद से इस मसाफत को गिनते हैं। हमारी दूरबीन ने, जो हमारी दूरबीन सैयारों में फिट है और ऊपर के अहवाल ले लेके फोटो नीचे दे रही है, जहां तक उसने हमें बताया है मैं वो बता रहा हूं। उसके ऊपर तो हमें अल्लाह के नबी ने बताया है, वो दूरबीन के बगैर है। ये जो हमारा सूरज है, ये निजाम शमसी है। इस निजाम शमसी में 9 सितारे हैं। इसका जो सबसे ऊपर वाला सितारा है, प्लूटो जिसको कहते हैं, उसकी रोशनी 5 घंटे में यहां आती है। जमीन पर उसकी रोशनी 5 घंटे में आती है। उसके ऊपर एक और सितारा चमक रहा है, जिसकी रोशनी जमीन पर 1000 साल में आती है। उसके बाद एक और रोशन सितारा चमक रहा है, जिसकी रोशनी 20,000 साल में जमीन पर आती है। उसके ऊपर एक और सितारा है, जिसकी रोशनी जमीन पर 1,00,000 साल में आती है। कुछ सितारे ऐसे हैं कि जब से वो पैदा हुए हैं आज तक उनकी रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची, सफर कर रही है, अभी रास्ते में है। रोशनी जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील 1 सेकंड में है। दूरबीन वहां जाके खामोश हो जाती है, आगे उसको धुंधलाहट लगती है, कोई पता नहीं चलता कि आगे क्या है। लेकिन आसमान अभी बहुत ऊंचा है, आसमान बहुत ऊंचा है। ये जिसको हम देखते हैं ये आसमान नहीं है। इसलिए कुछ कम अकल लोगों ने, जो साइंसदान है, उन्होंने कहा आसमान है ही नहीं। क्यों भाई, जेडी शायद तुहानू ना नजर आवे उदा इनकार कर छोड़ो। कहते हमें नजर नहीं आता, हमारी दूरबीन कहां तक पहुंच गई है, आसमान रास्ते में नहीं आया इसलिए नहीं है। मैं कहता हूं जो तुम्हारा इल्म है इस जहान में, वो तो अभी तक चिड़िया के बीच के बराबर भी नहीं है। इस जहान में क्या निजाम अल्लाह ने रखा है, ये अल्लाह के इल्म में है। ये जो मसाफत मैंने बताई है, ये सारी मसाफत मुस्तफा की सवारी ने 1 सेकंड में तय की है। तो यहां कदम था, फिर वहां कदम था, और फिर हर आसमान से दूसरे आसमान तक। तवज्जो फरमाएं, इस आसमान से दूसरे आसमान तक उतना ही फासला है, जितना यहां से पहले आसमान का है उतना फासला है। और ये सवारी इन सारे आसमानों को अबूर कर देगी एक ही रात में। 7 आसमानों के ऊपर है जन्नत। अल्लाह हमें जन्नत में ले जाए। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, हुजूर के कदमों से चिमटे रहे, हुजूर के दामन से दामन को पकड़े रखे, कुरान को सीने से लगाए रखें। अल्लाह का वादा है कि जन्नत में ले जाऊंगा इंशाअल्लाह, जन्नत में जाएंगे। 7 आसमानों के ऊपर जन्नत है। मुस्तफा की सवारी जब बैतुल मुकद्दस से उड़ी, तो यहां वाले लोगों को चांद बड़ा ऊंचा नजर आ रहा था, सूरज बड़ा ऊंचा नजर आ रहा था, दूरबीनों को वो सैयारे ऊंचे नजर आ रहे थे, जमीन पे रहने वालों को आसमान ऊंचा नजर आ रहा था।
मुस्तफा की सवारी जब इन सबको उबूर करके आगे गुजरी, अल्लाह ने पैगाम दिया कि चांद भी छोटा है, सूरज भी छोटा है, सियारे भी छोटे हैं, आसमान भी नीचे है, मेरा मुस्तफा बुलंद भला है। जब आसमान के ऊपर हुजूर की सवारी गई तो वहां फरिश्ते हैं और वो अनगिनत फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्म में है कि कितने हैं, और वो सारे इबादत में मसरूफ हैं। जो दुनिया में ड्यूटियों के लिए आते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, जो वहां पर रह रहे हैं वो इबादत में मसरूफ हैं। अल्लाह के नबी ने बताया कि जो सजदे में है वो हजारों साल से सजदे में है, जो क्याम में है हजारों साल से क्याम में है, जो तशहुद में है हजारों साल से तशहुद में है। शायद कभी उनके दिल में ख्याल आता होगा कि ऐ जमीन वालों, हमारी इबादत का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ने अपने महबूब को उनसे उबूर करके बता दिया कि ये मेरा मुस्तफा जो आपसे गुजर कर आगे जा रहा है, इसके नफल तो अपनी जगह रहे, इसकी उम्मत के दो नफल भी तुम्हारी इबादत से ज्यादा है। हुजूर के नफल तो हुजूर के नफल है, उम्मती के नफल भी तुम्हारी इबादत से ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो पिछली रात दो रकात नफल पढ़ता है, कितने नफल? दो मिनट में पढ़ लेता है, पांच मिनट में पढ़ लेता है। फरमाया ये दो रकात नफल खैर मिन दुनिया व माफीहा, सारी दुनिया और उसके खजानों से ज्यादा बेहतर है। दो रकात, और वो जो फरिश्ता सजदे में पड़ा है या रकू में है या तशहुद में बैठा है या क़याम में है, वो अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी तो कर रहा है लेकिन इसके बदले में उसको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तो इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाई, तो ये दो रकातें उसकी इबादत से बढ़ गई। अल्लाह ने उन फरिश्तों को भी बता दिया कि तुम अपनी इबादत पे नाज न करना, तुम्हारी इबादत बेशक लंबी है लेकिन अजर के अदवार से मेरे महबूब की उम्मत की इबादत ज्यादा है। यही पैगाम दूसरे आसमान में, यही पैगाम तीसरे आसमान में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में, और उसके ऊपर क्या है? सातवें आसमान के ऊपर बोले करो जन्नत, जन्नत, जन्नत। ये जन्नत भी अल्लाह के महबूब ने उबूर की, जन्नत में सैर भी की। मेराज वाली बार रात अल्लाह ने जन्नत की सैर भी कराई, और अल्लाह ने अपने महबूब को सैर करा के अपने शागिर्दों की शान भी बताई। हुजूर के शागिर्दों को जानते हो? उनका क्या नाम है? सहाबा, अस्हाबे रसूल, सहाबा। इसलिए कि एक जगह आप जा रहे थे तो जूतियों की आवाज आ रही थी। फरमाया जिब्रील ये जूतियों की आवाज कैसी है? मुझसे पहले कोई जन्नत में चल रहा है? उन्होंने कहा जी नहीं, कोई नहीं चल रहा। तो फरमाया ये आवाज कैसी है? उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपका काला बिलाल है जो मक्के में चलता है और जूतियों की आवाज जन्नत में आती है। अल्लाह ने ये क्यों सुनवाई आवाज? ये सुनवाई महबूब को अपने शागिर्दों की शान बताने के लिए। एक जगह से गुजरे, कुरान की आवाज आ रही थी, वहां तो कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं, फरिश्ते तो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, जिब्रील के अलावा किसी फरिश्ते को तिलावत करने की ताकत नहीं है।
उनको जब कुरान सुनने का शौक होता है, अल्लाह से इजाजत लेकर जमीन पे उतरते हैं, आपके बच्चों का कुरान सुनते हैं। इन बच्चों की कदर किया करो जिनका कुरान सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। ये कुरान की आवाज जिब्रील कैसे आ रही है जन्नत में, कौन कुरान की तिलावत कर रहा है? अर्थ के हुजूर जन्नत में कोई नहीं तिलावत कर रहा, ये आपका गुलाम है जो जमीन पर कुरान पढ़ रहा है और उसकी आवाज जन्नत में आ रही है। एक जगह से हुजूर गुजरे, एक शानदार महल देखा, पूछा ये किसका है? जिब्रील ने बताया ये आपके गुलाम फारूक का है, उमर फारूक का है। हुजूर जब वापस आए तो उमर को बुलाया, उमर को जानते हो कौन था? ये उमर की शान है कि जिसको अल्लाह ने रब से मांग के, नबी ने रब से मांग के लिया है, इसलिए सारे सहाबा मुरीदे मुस्तफ़ा हैं और उमर मुरादे मुस्तफ़ा है और मुरीदे मुस्तफ़ा भी है, मुरीद भी है मुराद भी है। और अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं मांगा, अल्लाह के नबी कुरान कहता है उस वक्त बोलते हैं जब अल्लाह बुलाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। अल्लाह के नबी ने उमर को मांगा है इस्लाम की इज्जत के लिए, और हमने तारीख में देखा है, हदीस में पढ़ा है कि जितनी इज्जत इस्लाम को उमर के दौर में मिली है और किसी दौर में नहीं मिली। ये जो कैसर किसरा थे, इनका बड़ा गलगला था, बड़ा शोर था, बड़ा दबदबा था, ये फारूक आजम के दौर में फतह हुए। अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है, फारूक के की कोशिश थे और उसकी मेहनत से। तो फारूक आजम का कमरा भी देखा, हुजूर ने जन्नत की सैर की और फिर जन्नत को अबूर करके इससे भी आगे तशरीफ ले गए। मेराज वाली रात जन्नत को नाज था कि मैं जन्नत हूं, मेरे अंदर हुजूर कसूर रहते हैं, हूर रहते हैं, शहद की नहरें हैं, खुशबुएं हैं, बड़ी आला है। लेकिन जब हुजूर उसको उबूर करके आगे चले गए तो अल्लाह ने जन्नत को पैगाम दे दिया कि तुम तो नबी के गुलामों के लिए पैदा की गई हो, तुम तो नबी के गुलामों के लिए पैदा की गई हो। अल्लाह के नबी ने जिस जन्नत को उबूर किया है वो जन्नत कितनी बड़ी है। मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि एक दफ़ा जिब्रील हुजूर की खिदमत में आए, जिब्रील आते रहते थे, थोड़ा सा पानी भी मुझे पिला दो। एक दफ़ा हुजूर की खिदमत में जिब्रील आए तो उनके हाथ में मॉडल था, मेरी तरफ देखो जी। क्या था? नक्शा। उसके दरमियान में एक सफेद जगह थी, सफेद नुक्ता था, उस नक्शे में सफेद नुक्ता था। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये क्या है? अर्ज किया हुजूर ये जन्नत का नक्शा है। आपने फरमाया ये दरमियान में नुक्ता क्या है? उसने कहा ये मैदान मजीद है। हुजूर ने फरमाया मैदान मजीद क्या है?
तो उसने कहा जी ये जन्नत के दरमियान में एक प्लाट है, गरासी प्लाट, जिसकी हर चीज सफेद है, उसका घास भी सफेद है, उसमें जो कुर्सियां रखी हुई हैं वो भी सफेद है, और उसके साथ एक बाजार है उस प्लाट के साथ, उसमें हर चीज सफेद है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये प्लाट जन्नत में क्यों है? तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब सारे लोग जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो वो अपने अपनी जन्नत में हैं तो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे हस्बे मर्तबा, लेकिन अल्लाह चाहेंगे कि ये सारे मेरे आशिक, क्योंकि जन्नत में अल्लाह के आशिक जाएंगे। कुरान ने कहा है वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, के ईमान वाले तो अल्लाह के आशिक हैं, अशद्द हुब्ब, एक तो मोहब्बत है, एक है सख्त मोहब्बत, वो इश्क होता है। तो सारे मोमिन अल्लाह के आशिक हैं, तो अल्लाह अपने आशिकों को एक दफा इकट्ठी ज़ियारत कराएंगे। शौक होता है ना जी, हम अकेले अकेले तो घर में रोजाना खाना खाते हैं, हम कभी कभी प्रोग्राम बनाते हैं कि सारे दोस्त मिलकर खाना खाएं। ये मिलकर किसी का दीदार करना, मिलकर चाय पीना, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। अल्लाह इसी इंसानी और आशिकों की फितरत के मुताबिक उस मैदान मजीद में इंतजाम करेंगे, वहां पर कुर्सियां डलवाएंगे, कुर्सियों के पीछे कुर्सियां, उसके पीछे बेंच, उसके पीछे कस्तूरी के टीले, उसके पीछे रेशम की कालीन, और अल्लाह फरमाएंगे तमाम अंबिया को कि तुम अगली कुर्सियों पे बैठ जाओ। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, सोने मुस्तफा भी ये कुर्सी पर आके बैठ जाएंगे। फिर हर नबी के पीछे उसकी उम्मत होगी, जितनी उम्मत जिसकी होगी हर नबी के पीछे होगी। सबसे ज्यादा उम्मत हमारे आका की है, और इस तरतीब से बैठेंगे जिस तरतीब से हुजूर पर ईमान लाए। तो सबसे पहले ईमान कौन लाए? सहाबा। सहाबा तो पहली कतार में सहाबा बैठे हुए, उसके बाद उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, हम भी सहाबा के शागिर्द हैं। इसलिए कि जो हमारे पास इल्म पहुंचा है वो नबी से तो हमने नहीं लिया, नबी से तो सहाबा ने लिया है, हमने सहाबा से लिया है बिलवास्ता, सहाबा के शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द। तो हम भी एक हद पर आके सहाबा के शागिर्द हैं। तो इस तरतीब के साथ जब बैठेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमारा भी नंबर लग जाएगा। सुभान अल्लाह, तो कहता आपका भी लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। जब सारे बैठ जाएंगे तो आगे बात लंबी है, अल्लाह अपने हिजाब उतार देंगे। सुभानअल्लाह, अल्लाह हिजाब में है, अल्लाह हिजाब उतार देंगे और ये सारे जन्नत वाले अल्लाह को देख रहे होंगे। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब हुजूर ने यह हदीस बताई सहाबा को, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इतनी सारी मखलूक, ये तो भीड़ हो जाएगा, कैसे अल्लाह को देखेंगे? यहाँ कोई एक लीडर आ जाए या कोई बुजुर्ग आ जाए तो भीड़ हो जाती है ना, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, सारे इकट्ठे कैसे देखेंगे? तो हुजूर ने मिसाल दे के समझाया, फरमाया ये सूरज जब दोपहर को चढ़ आता है तो सारे लोग उसको देख नहीं रहे होते, सुभान अल्लाह, क्या भीड़ होती है,
ये तो अल्लाह की एक अदना मखलूक है, अल्लाह तो अल्लाह है। सारे लोग देखेंगे, कोई भीड़ नहीं होगी। उस दिन आशिक राम को देखेंगे तो रज रज के देखेंगे। सारी जिंदगी जो सजदे में पड़े रहे, सुभान रब्बी अल्लाह आला, सुभान रब्बी अल्लाह आला, सुभान रब्बी अल्लाह आला, और उसका शौक है कि मैं अपने रब को देखूं। मूसा कलीम ने देखने की तमन्ना भी की, हर आशिक की तमन्ना है कि वो अपने रब को देखेंगे, लेकिन दुनिया में देख नहीं सकते, ताकत नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे, आओ आज मेरे अश को मुझे रज रज के देखो। इसका नाम है मैदान मजीद, क्योंकि ये नेमतें जो अल्लाह ने जन्नत में दे दी वो तो सबके यहाँ अलाट हो गई, ये मजीद नेमत है, ज्यादा नेमत है। जब यहां से दीदार से फारिग होंगे, अल्लाह फरमाएंगे इस बाजार से हदीये उठा लो, जो जिसको पसंद हो अपनी बीवियों के लिए ले जाओ। पीछे घर वो इंतजार में बैठे होंगे ना कि हमारे खामद गए हुए हैं अल्लाह से मिलने के लिए, वापस आएंगे तो वो अपने तैयारों में चीज़ें उठाएंगे और लेके चल बसेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी बीवियाँ जब देखेंगी तो पहचान नहीं सकेंगी, क्योंकि उनके चेहरे का नूर ही बदला हुआ होगा। वो कहेंगी तुम्हें क्या हो गया है, आज तो पहचान में भी नहीं आ रहे। कहेंगे हम अपने महबूब का दीदार करके आ रहे हैं। ये है मैदान मस्जिद, और ये दीदार जुमे वाले दिन होगा। इसलिए जुमे वाले दिन सफेद कपड़े पहनना सुन्नत है। उस मैदान की हर चीज जो सफेद है, अल्लाह हमें जुमा नसीब करे, जुमा पढ़ा करो। जुमा बड़ी शान वाली इबादत है, ये गरीबों का हज है, जो वहां नहीं पहुंच सकता उसका ये हज है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, इतनी सारी मखलूक उस मैदान में बैठ जाएगी, ये कितना बड़ा प्लाट है। मैं जन्नत की वसत आपको बता रहा हूं, ये एक नुक्ता है जन्नत के दरमियान। कितनी बड़ी जन्नत है जिसका ये मैदान है और इतने सारे लोग बैठ जाएंगे। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक दफा अल्लाह ताला से इजाजत चाही थी कि मैं उस मैदान मजीद को देखना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। आपको जिब्रील की ताकत का तो अंदाजा होगा ना, जिब्रील बड़ी ताकत वाला है। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि एक सहाबी सफर कर रहे थे जंगल में, गालिबन जैद बिन साबित हैं रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। एक आदमी उनके साथ मिल गया, उसने कहा मैं भी मुसाफिर हूँ, इकट्ठे चलते हैं, गपशप लगाते जाएंगे, मैंने भी उधर जाना है। उन्हें कहा आओ। जब एक खास जगह पर पहुंचे तो उसने अपनी तलवार नियाम से निकाल ली, उसने कहा ये जगह है जहां मैं लोगों को कत्ल करता हूं। उन्होंने कहा मैं आपको कत्ल करूंगा। जब उसने तलवार निकाली कत्ल करने के लिए साहबी को, तो एक कड़कदार आवाज आई जैसे कोई बाहर इसको धमका रहा है। वो जल्दी से बाहर निकला कि कौन आ गया इस जंगल में, तो कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने कोशिश की, फिर कड़कदार आवाज आई, फिर बाहर निकला, कोई नजर नहीं आया।
तीसरी दफा जब उसने इरादा किया तो फिर उससे भी ज्यादा सख्त आवाज आई। जब बाहर निकला तो एक आदमी तलवार लेके खड़ा था, उसने इसकी गर्दन उतार दी। वो साहब अंदर आ गए उस साहबी के पास, उसने कहा मैं जिब्रील हूँ। जब पहली दफा आप पर ये तलवार पर हमला करने लगा था मैं सिदरतुल मुंतहा पर था, मैंने वहां से आवाज दी थी इसको, जब दोबारा हमला करने लगा मैं पहले आसमान पर था, जब तीसरी दफा इसने हमला करने की कोशिश की तो मैं आपके दरवाजे पर पहुंच आया था, मैंने आपके दुश्मन को कत्ल कर दिया है, अब तुम खैरियत से जाओ। जिब्रील की ताकत देखो, मसाफत मैंने आपको बताई है, जिब्रील के 600 पर हैं और एक पर इतना बड़ा है जितना मशरक से मगरब, सारी जमीन पर छा जाता है एक पर, तो कितना तेज दौड़ता होगा। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने इजाजत चाही थी अल्लाह से कि मैं मैदान मजीद को देखूं, अल्लाह ने मुझे इजाजत दी, मैं 1000 साल तक उस प्लाट पर उड़ता रहा, मुझे किनारा नहीं मिला। ये तो जन्नत का एक नुक्ता है। एक रिवायत और मैंने सुनी है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, एक आलिम से सुनी है, इसलिए हवाला ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा जिब्रील ने कहा या अल्लाह मैं आपकी जन्नत देखना चाहता हूँ कहाँ तक है। अल्लाह ने फरमाया जाओ देखो, तो उसने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना क्या शुरू किया, उड़ना शुरू किया, उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा। जिब्रील को ये यकीन आ गया कि मैंने अक्सर जन्नत देख ली है, अब ख़त्म होने वाली होगी, थक गया होगा, थकते तो नहीं है फरिश्ते, लेकिन उसने समझा होगा कि मैंने बहुत जन्नत देख ली है, वापस आ गया, कहा या अल्लाह मैं जन्नत देख आया हूँ बहुत बड़ी है। फरमाया जिब्रील तूने क्या जन्नत देखी है, जहाँ तक तू गया है ये तो मेरे एक महबूब के यार गार सिद्दीक का हिस्सा है। शाने सहाबा जिंदाबाद, अजमते सहाबा जिंदाबाद, मकामे सहाबा जिंदाबाद, शाने सैयदना सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, शाने सैयदना सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। तो ये अल्लाह के नबी मेराज वाली रात जन्नत भी उबूर कर गए, ये बता रहा था मैं आपको। आगे एक मकाम आया जहां तक जिब्रील जाता है आता है जाता है आता है, वहां से अहकामात लेता है और हुजूर के पास आता है, वो उसकी मुंतहा है सफर की, वहां रुक गया। वहां से आगे 70,000 नूरानी पर्दे हैं, जहां तक जिब्रील जाता है, उसके बाद 70,000 पर्दे हैं नूरानी, और एक पर्दे की मोटाई इतनी है जितना जमीन से आसमान है। जिब्रील अमीन ठहर गया, हुजूर ने कहा जिब्रील चलो मेरे साथ, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं आ सकता, आप अकेले जाएंगे। सवारियां बदलती जाती थी, वहां अल्लाह के इल्म में है कि उस मकाम से आगे सवारी कैसी थी, हर मुल्क के एतबार से सवारी बदलती है, कहीं तक जहाज जाता है फिर कार जाती है, मुख्तलिफ सवारियां बदलती गई, यहां से तो बुराक गई वो जन्नत तक जाई गई। जिब्रील ने कहा हुजूर आगे आप जाएंगे, मैं नहीं जा सकता इसलिए कि आगे अल्लाह का जलाल शुरू हो चुका है। अब खुदा जाने, खुदा का महबूब जाने,
मैं जिब्रील फरिश्तों का सरदार तो ज़रूर हूँ लेकिन मैं आगे नहीं आ सकता। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि ताकत तो अल्लाह देता है, हुजूर को भी आगे जाने की ताकत अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह जिब्रील को ताकत दे देता तो हुजूर अकेले ना जाते। हुजूर इस इन पर्दों को जब उबूर कर रहे थे तो एक जगह घबरा भी गए थे। मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक जगह आप घबरा गए क्योंकि बड़ा जलाल था, पर्दे उबूर करते जा रहे थे तो घबराहट जब हुई तो अल्लाह ने आपकी घबराहट को दूर करने के लिए सिद्दीक की आवाज़ सुनवाई दी। क्योंकि हुजूर को जितना सिद्दीक की आवाज़ से सुकून होता है किसी की आवाज़ से नहीं। इसलिए तो हिजरत वाली रात हुजूर को हुक्म हुआ कि इस पूरे सफ़र में, ये चूँकि बड़ा दुखा सफ़र है, खुफिया सफ़र है, दुश्मनों के नलके में जाना है, इसलिए शाह सिद्दीक को लेके जाओ क्योंकि सिद्दीक से आपको तसल्ली होती है। फिर सिद्दीक आपको पता है कि कैसी वफादारी की, गार में कैसे सांप का डंग भी खाया लेकिन हुजूर के आराम को खलल नहीं देने दिया, पांव नहीं लाया। हुजूर वहाँ कितने रहे गार में? तीन दिन तीन रातें, एक रात भी काफ़ी थी। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने तीन रातें ठहरने का हुक्म अपने महबूब को शायद इसलिए दिया है कि गार में या सिद्दीक है या मुस्तफ़ा है, अल्लाह चाहता है कि मजमू के अंदर तो सारे लोग दीदार करने वाले होते हैं, सिद्दीक मुश्तरका दीदार करता है, सिद्दीक अल्लाह के नबी का प्यारा है, इसलिए तीन दिन इसको ऐसे दिए जाएं कि मुस्तफ़ा हो या सिद्दीक हो। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। और सिद्दीक ने कितने करीब से दीदार किया, गोद में लिटाया हुआ था और हुजूर का दीदार कर रहा था। और इस सहाबी की जो अजमत और शान है, कोई भी सहाबी हो, वो नमाज की वजह से नहीं है, रोज़े की वजह से नहीं है, हज की वजह से नहीं है, सहाबी की अजमत है दीदार की वजह से। जिसका जितना ज़्यादा दीदार है उसकी अजमत भी उतनी ज़्यादा है। अल्लाह ने चूँकि सिद्दीक को पूरी उम्मत का सरदार बनाया है इसलिए दीदार का ऐसा मौका दिया कि और कोई शामिल नहीं है। गार की तीन दिन रातों में अगर मुस्तफ़ा का दीदार कर रहा है तो सिद्दीक अकेला कर रहा है। तकबीर, ताज तख्त, खत्म नबूवत, अस्मत मुस्तफ़ा, अस्मत सहाबा, शान सहाबा, शहादाए नमूस सहाबा, हजरत मौलाना नवाज नक्शबंदी साहेब, ख्याल आता है कि अल्लाह जिब्रील को ताकत दे देता तो वो भी हुजूर के साथ साथ जाता। हुजूर अकेले सफ़र कर रहे हैं लेकिन उसका जवाब भी फिर दिल में आता है कि अल्लाह के नबी कायनात में सबसे ज़्यादा अजमत रखते हैं और अल्लाह की सारी मखलूक को अबूर करके ऊपर चले गए। अगर जिब्रील अमीन साथ चले जाते तो किसी भोले भाले आदमी के दिल में ख्याल आ सकता कि बाकी तमाम चीज़ों से नबी बुलंद है मगर जिब्रील के बराबर है। कोई समझ आई बात? साथ जो जा रहा है, बाकी सारी मखलूक नीचे रह गई, मालूम हुआ कि मुस्तफ़ा बुलंद है, सारी मखलूक नीचे है लेकिन जिब्रील साथ जा रहा है, वो फरिश्तों का सरदार है, ऐसा लगता है कि वो भी मुस्तफ़ा के बराबर है। अल्लाह ने उसको ये ताकत नहीं दी, वहाँ रोक दिया, मखलूक को पैगाम दिया कि जिब्रील अपने फरिश्तों का ज़रूर सरदार है लेकिन मेरा मुस्तफ़ा आगे जा रहा है, वो ठहरा हुआ है।
ये मौजज़ा अल्लाह ने ज़मीनी और मकानी सफ़र को तय कराने के लिए और बताने के लिए दिया कि मेरे मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ तक सफ़र करके जा रहे हैं ये सारा उनकी नबूवत में शामिल है। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। मुझे आप लोगों का एहसास हो रहा है क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आप थक गए होंगे, अल्लाह ताला आपकी थकावट भी उतारे और अल्लाह आपके ईमान को कबूल फरमा दे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इलाल आलमीन हमारे समझमे को कबूल फरमा, हमारे इस जलसे को कबूल फरमा, जिन बच्चों ने दस्तार ली है इनको कुरान का नूर नसीब फरमा, जिन बच्चियों ने दुबट्टा पोशी लेनी है हाफिज बन चुकी हैं अल्लाह उनको भी कुरान का नूर अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे को बनीन बनात को आबाद फरमा, इसमें पढ़ने वाले तमाम बच्चों को कामयाब फरमा। जो लोग मदरसे के साथ तआमुन करते हैं, दुआएँ करते हैं, मदद करते हैं, ला उनके ख़ानदानों में कुरान वाली दौलत नसीब फरमा। इलाल आलमीन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरे महबूब के उम्मती आबाद हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, गुरबा की गुरबा दूर फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा, बे सुकूनों को सुकून अता फरमा। इलाल आलमीन बे नमाजियों को नमाज अता फरमा। अल्लाह दुनिया में जिसके पास ईमान की दौलत नहीं पहुंची उनको ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे घरों को दीनी माहौल नसीब फरमा, हमारे नौजवान की आँख में हया अता फरमा। इलाल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के बाशिंदों को खुशहाल बना, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारी एटमी कुव्वत की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के मुहाफिज़ीन की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में रहने वालों को आपस में प्यार अता फरमा, इस मुल्क के रहशियों को मुल्क की ज़मीन से प्यार अता फरमा। इलाल आलमीन जितने भी मजमे में लोग बैठे हैं इनके दिल में जितनी दुआएँ हैं अपने फ़ज़ल से रहमत से कबूल फरमा। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वअसहाबिही।